अभय जी ने पार्टी रखी है, बस उसी की तैयारियां चल रही है और कुणाल भी उसी वजह से घर में आए और सब डेकोरेशन की तरफ देख रहे क्या चल रहा है। ऐसा होता है कि कुणाल को देख के कुछ पुरानी यादों में खो जाती हूँ और गिर जाती, लेकिन थैंक गॉड कुणाल ने बचा लिया क्योंकि उन्हें, मुझे ऐसा लग रहा है उन्हें अभी भी मेरी परवाह है, तो ये सोचकर अच्छा लगा। अभय ने पार्टी रखी है और इसका जिम्मा सिद्धि और मुझे दिया गया है सब अरेंजमेंट करने का, तो वही हो रहा है। आई थिंक सिद्धि कुणाल का यही है कि किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो साथ नहीं रह सकते, मगर दूसरे एक दूसरे से अलग भी ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते, तो जाहिर है जब एक कमरे में होते हैं तो सारी पुरानी फीलिंग सब बाहर आ जाती हैं और जो भी हो रहा है वही हो रहा है, जैसे वो काम भी कर रहे हैं मगर शायद एक कोने से एक दूसरे को देख भी रहे हैं, तो ये एक मिक्स्ड इमोशंस चल रही हैं कि एक दूसरे के साथ होना भी चाहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करना भी चाहते हैं, मगर किस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जिस पर थोड़ी नाराज़गी भी है। जब 9 साल बाद अचानक वो आपकी बाहों में आ जाती है तो जाहिर है कुणाल और सिद्धि दोनों की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। आई थिंक हालात ऐसे पैदा हो जाएंगे कि ना चाहते हुए भी वो शायद एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। आई थिंक पहल ऊपर वाला करेगा, वो जैसे ये सिचुएशन आई है कि पार्टी में दोनों एक साथ हुए, सिद्धि गिरने वाली थी, कुणाल वहाँ मौजूद था, तो ये हालात ना सिद्धि ने क्रिएट किए ना कुणाल ने क्रिएट किए, ये हो गए ऊपर वाला ने क्रिएट किए, तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि ऊपर वाला ही कोई चाल चलेगा जैसे ये एक दोनों एक दूसरे के नज़दीक आएंगे और जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगी एंड होपफुली हैप्पी एंडिंग।